हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसमें पढ़ेंगे तो देखो, यहाँ पे जो मेल क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑलोसोम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, क्योंकि ये समान होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन में जो बेबी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेबी मेल होगी या फीमेल होगी, तो किससे डिपेंड होगा? मेल क्रोमोसोम इसका जो है डिसाइड करेगा कि बेबी जो आएगी वो मेल रहेगी या फीमेल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ पे हमने एक्स वाई मेल का और एक्स एक्स जो है फीमेल का। अब इसका हम चलो क्रॉस करवाते हैं। देखो, यहाँ पे हमने वाई से इस तरीके से करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाई ज़्यादा पॉजिटिव था, वाई आ गया, और इसका तो एक्स ही आएगा, एक्स आ गया, सॉरी पहले है एक्स वाई, एक्स और वाई आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेल हो गया, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाते हैं, इसका इस बार एक्स पॉजिटिव था, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, एक्स एक्स फीमेल बेबी, ठीक है। तो जो ह्यूमन है उसमें जो बेबी डिपेंड होगा वो किस पे होगा? मेल क्रोमोसोम पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो होता है ऑलोसोम और जो फीमेल क्रोमोसोम होता है वो होता है ऑटोसोम, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया। अब आगे हम आगे जो टॉपिक आएगा उस पे सिंड्रोम, उस पे बात करेंगे हम कि ये होता क्या है, ठीक है।